डाउनलोड करें ट्रैवल इंडिया टीवी ऐप। आज ट्रैवल इंडिया टीवी के एक खास इंटरव्यू में एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो इंटर तक शिक्षा ग्रहण कर पाए, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि हाथ में पेन कॉपी किताब थामने वाला वही युवा जंगल की राह पकड़ ली और हाथ में थाम लिए अवैध हथियार, और कुछ ही वर्षों में खूंटी जिला से लेकर पश्चिमी सिंहभूम के बनगांव के बिहड़ों तक उनके नाम की डंका बजने लगी। लोगों में उनके नाम का खौफ इस कदर था कि कोई भी उनके खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं करता था। प्रतिबंधित संगठन जेएलटी से माओवादी संगठन तक में जुड़े रहे, इनके विरुद्ध कई थानों में केस दर्ज हुए। वर्ष 2009 में जेल में रहते ही खूंटी विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से चुनाव लड़े और अपने प्रतिद्वंदी को कड़े टक्कर देते हुए मात्र 426 वोट से हार का सामना देखना पड़ा। बात कर रहे हैं पूर्व माओवादी नक्सली मसीह चरण पूर्ति का, जो पिछले महीने जेल से रिहा होकर समाज सेवा व पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछने की संकल्प को लेकर कदम आगे बढ़ा चुके हैं और बिरसा मुंडा उलगलान मन से भी जुड़ चुके हैं। वे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बहुत बड़ा फैन है। कैसे गांव में खुशियां आए, कैसे विकास की लकीर खींची जाए, इसको लेकर वे काफी चिंतित हैं। कभी बाजार तो कभी हाट में पहुंचकर आम लोगों से मिल रहे हैं। उनके इस बदले हुए ध्रुव को देखकर लोग आश्चर्यचकित हैं और खुश भी कि वे वापस घर को लौटकर आ गए हैं और मुख्य धारा से जुड़कर समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। पूर्व माओवादी का ये रूप देखकर बच्चे भी खुश हैं, बड़े भी खुश हैं। कभी मसीह चरण पूर्ति नौका विहार करते हैं तो कभी बच्चों से प्यार भी करते हैं। आइए बात करते हैं मसीह चरण पूर्ति से, जिन्होंने पहली बार खुलकर अपनी बात को ट्राइबल इंडिया टीवी के माध्यम से आप दर्शकों के बीच रखा। दादा जोहार। जोहार। आप ये बताइए दादा कि फिलहाल आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि आप जंगल और पहाड़ में बरसों घूमते रहे और प्रतिबंधित संगठन से जुड़े भी रहे, कई कांडों में आपका नाम आया, पुलिस फाइल्स में भी आया, आप जेल भी गए और पिछले महीने ही जेल से बाहर निकले हैं, तो क्या कुछ सोच रहे हैं, कैसे आप मुख्य धारा में लौटेंगे, क्या कुछ आपके मन में रहा है और क्या सोच रहे हैं आदिवासी समाज को लेकर, झारखंड को लेकर, आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, मैं पहले भी सामाजिक कार्यों में जुड़ा हुआ था और आगे भी ही सामाजिक कार्यकाल में जुड़ा रहूँगा। इस समय मैं बिरसा उलगुनान फाउंडेशन के तहत चलने वाला बिरसा मुंडा के मूर्ति निर्माण के कार्यक्रम में इस उलगुनान फाउंडेशन के तहत गांव-गांव घूम रहा हूँ, चंदा इकट्ठा कर बिरसा का मुंडा का मूर्ति निर्माण करवाना चाहता हूँ। बाकी बात अपने श्रम शक्ति से, जनता के श्रम शक्ति से कृषि और बागवानी में सीधा योगदान देना चाहता हूँ। जहाँ तक शिक्षा और चिकित्सा से जुड़े तमाम जन संगठनों और एनजीओ के साथ मिलकर मैं जनता के हित में काम करना चाहता हूँ। दादा, चूंकि आपका नाम मसीह चरण पूर्ति है और नाम के पहले अक्षर में ही मसीह यानी मसीहा, तो आप क्या आदिवासी समाज के लिए मसीहा बनकर उभरेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि लोग आपको समझें कि हाँ मेरा मसीहा आ गया, फिर से वही बिलसा की धरती पे कोई उलगलान करेगा और आदिवासी समाज की रक्षा करेगा, ऐसा कुछ जज्बा है आपके अंदर? देखिए, मेरे अंदर में जो जज्बा जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, वो पहले भी था, आज भी है
और रहेगा। पहले मैं संविधान के दायरे के बाहर काम करता था, अब मैं जल जमीन की रक्षा का कार्यक्रम संविधान और कानून के दायरे में करूंगा। और मैं अपने समाज के लोगों के लिए हमेशा ही अच्छा काम करूंगा, जिससे पूरा झारखंडी समाज को फायदा मिले, शांति मिले और झारखंड का विकास हो। ये जो बीच में अभी खूंटी जिला में या और अन्य जिलों में पत्थलगड़ी कर लेके जो बातें हो रही है कि आदिवासी समाज पत्थलगड़ी कर रहा है, संविधान को नहीं मान रहा है, तो चूंकि आप शायद उस वक्त जेल में थे तो कहीं ना कहीं से कोई माध्यम से तो खबर आप तक मिलती ही होगी, तो आपको इस पे क्या कहना है कि वो जो पत्थलगड़ी हो रही थी और जो तरह से संवैधानिक व्याख्यान को दर्शाया जा रहा था वो गलत था या आदिवासी समाज को भटकाने की एक साजिश? देखिए, पत्थलगड़ी आदिवासी समाज की परंपरा है, लेकिन पत्थलगड़ी का जो वर्तमान स्वरूप है वह आदिवासी समाज को भटकाने वाला है। और संविधान की व्याख्या करके लोगों को संवैधानिक संस्थान या संवैधानिक की पदाधिकारियों के खिलाफ भड़काना एक पत्थलगड़ी के नेताओं की महज एक बेवकूफी है। और आज एक दिन इन लोगों का पर्दाफाश होना निश्चित है और जनता बाद में इन पत्थलगड़ी नेताओं को खुद ब खुद बेनकाब कर देगी। एक सवाल ये कि अभी हाल ही में एक बड़ी खबर देश में हुई है कि कश्मीर से जो है कि 370 और तमाम जो ये थे विवादित थे वो सारी चीज़ें हटा दी हैं मोदी सरकार ने और कश्मीर को एक राज्य का जो है कि भारत के केंद्र शासित राज्यों में आएगा कि कश्मीर और लद्दाख, तो उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है कि मोदी जी ने यह फैसला सही किया या गलत? कश्मीर के लोगों के लिए 370 हटना गलत हो सकता है, लेकिन देश के लिए मोदी जी का यह फैसला अच्छा है और ऐसा फैसला मोदी जैसे लोग ही ले सकते हैं और मैं इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आप से ये पूछे सीधे सीधे कि आप मोदी जी के फैन हैं? देखिए, मोदी जी का जो व्यक्तिगत जीवन है, जो उनका त्याग है, उसके लिए मैं फैन हूं। और कुछ जो आपके अंदर चल रहा हो कि हाँ हमको किस तरह से काम करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कमी दिख रही है जिसको आप पूरा करने के लिए सोच रहे हैं? देखिए, मैं तो गांव में अपना समय बिता रहा हूं और बिताऊंगा। अपने श्रम शक्ति के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है और गांव का विकास भी मैं लोग अपने श्रम शक्ति से ही करूंगा और जहां तक प्रयास करूंगा लोगों को प्रेरित करूंगा कि सामूहिक श्रम द्वारा अपना गांव को बदले। आज जो जंगलों में कई ऐसे युवक युवतियां खास करके आदिवासी समाज से और अन्य जनजातियों से हाथों में बंदूक लिए या अन्य अवैध हथियार लेकर घूम रहे हैं कि एक नई क्रांति आएगी और इस तरह से हम अपने समाज को लाएंगे, तो क्या लग रहा है आप उनसे कुछ अपील करेंगे कि हाँ मेरे भाई ये कुछ गलत हो रहा है, आप वापस लौट आओ और संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़ जाओ क्योंकि ये जिंदगी नहीं है? देखिए, हथियार बंद क्रांति का जो सिलसिला चला वो द्वितीय महायुद्ध के दौर में चला और उस समय अधिकतर देशों में सब लोगों को वोट देने का अधिकार हासिल नहीं था। चीन जैसे देशों में बड़े जमींदार लोग काफी मात्रा में थे। उस समय की परिस्थितियां थी कि हथियारबंद क्रांति की जरूरत थी, लेकिन वर्तमान समय में भारत में ये मैं नहीं समझता हूं कि इस समय हथियारबंद क्रांति की जरूरत है। जरूरत है संपूर्ण परिवर्तन की, जिसमें युवाओं और
तमाम मेहनत का 90% जनता का हिस्सेदारी हो और ये शांतिपूर्ण आंदोलन से ही संभव है, रक्तपातपूर्ण आंदोलन से शायद देश एक नए गृहयुद्ध में फंस जाएगा और अंततः देश की ही बर्बादी होगी। फिलहाल आप खुद को लेकर कितना सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करते हैं, चूंकि तमाम केसें भी हट गई, जेल से आप छूट भी गए, तो किसी तरह की कोई परेशानी खड़ी हो रही है आपके लिए, किसी तरह से कहीं से कोई ऐसी बातें जिससे आपको परेशानियां उत्पन्न हो रही हो? देखिए, इस समय तो मैं जनता के बीच में हूँ, जनता के तरफ से मुझे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। जहाँ तक मेरे पूर्व संगठनों के लोग हैं उनके बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूँ कि वो मेरे जान का दुश्मन बनेंगे या मुझे छोड़ देंगे, लेकिन मैं सतर्क हूँ। आप सतर्क हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये अंदेशा भी है कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है और इसको लेके आप एहतियात भी बरत रहे हैं, वो तो दिख ही रहा है। लेकिन ऐसी क्या वजह होगी जब लोग आपको इस तरह से खतरा महसूस हो रहा है और लग रहा है कि हाँ हमको नुकसान भी करेंगे लोग? देखिए, मैं हिंसा के रास्ते में चलने वाला संगठनों के साथ था, लेकिन तमाम लोगों का आंसू देख के मैं हिंसा का रास्ता बदला, खुद दोस्तों को पीड़ित किया तो मैं खुद भी जेल में रहकर अपने बच्चों का मैं दर्द देखा, तो ऐसे संगठन के लोग मुझे फिर उन्हीं संगठनों में लेना चाहे, लेकिन मैं साफ रूप से इनकार कर दिया, तो हो सकता है इसी के वजह से मेरे जान का दुश्मन बन सकते हैं। बिरसा मुंडा के मूर्ति निर्माण के कार्य में अपना योगदान दे रहा हूँ। इसके बाद मैं समाज के तमाम युवाओं को ऐसा मिसाल देना चाहता हूँ कि किसी कारणवश प्रशासन की चूक से ये जंगल ना पकड़ें और मुख्य धारा से हमेशा जुड़ा रहें। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि तमाम गतिविधियाँ जो हैं वो ऊपर से ही अच्छी लगती हैं और भीतर से काफ़ी दर्द भरा हुआ है। इसके सिवाय मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि कोई दूसरा युवा जंगल जंगल भटके और अपना बहुमूल्य समय गंवाए। तो आप मानते हैं कि ये जो माओवाद का रास्ता है, उग्रवाद का रास्ता है, कहीं ना कहीं जो है कि लोगों को भटकने पे मजबूर कर रहा है और खास करके युवा आदिवासी बच्चे बच्चियां जो है जिनको किसी और काम में आना चाहिए था, देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाना चाहिए था, वो आज किसी न किसी कारणवश जंगल में भटक रहे हैं? देखिए, माओवाद का जो उद्देश्य है समाजवाद है, भारतीय संविधान भी कहता है कि भारत एक समाजवादी देश है, तो कुछ पर कारणवश प्रशासन की तकनीक भूलों के कारण युवा खासकर भ्रष्टाचार के कारण जंगल का शरण ले लेते हैं, लेकिन इससे युवा शक्ति देश के खिलाफ ही लग जाता है, जिससे एक तरफ प्रशासन समर्थित युवा जो पुलिस में या सेना में है, दूसरा नक्सल समर्थित युवा जो प्रशासन की चुकों के कारण जो लड़ने मारने पर आमादा है, जिससे युवा शक्ति का ही हवास है अंततः देश को ही इस लड़ाई या मारकाट में हानि होगा। इसलिए मैं युवाओं से ही करूँगा कि उतावला में आके ना आकर संविधान के दायरे में ही अपनी मांगों को रखें और संवैधानिक तरीके से ही तमाम प्रशासनिक कमियों का समाधान करें। तो आपको लगता है कि जो है कि बरसों पहले जो आप इस संगठन से जुड़े थे, चूंकि आप पढ़ाई भी किए खूंटी बिरसा से कॉलेज से पढ़ाई किए आप, तो आपको कहीं ना कहीं इसका मलाल है कि आप जो है कि पढ़ाई छोड़ के मुख्य धारा से भटक के जंगल की गुमराह
रास्ते में चले गए एक ऐसी अंधेर नगरी जहाँ ना कोई मकसद है ना कुछ है, तो आपको क्या लगा कि इतने साल जो आपने जंगल में व्यतीत किया कहीं ना कहीं वो समय को खो दिया? देखिए, समय तो बहुमूल्य है, लगभग 20 साल का बहुमूल्य समय मैंने खोया। 7 साल जंगलों में और 12 साल जेल के सलाखों के पीछे। जहाँ तक माओवादी संगठनों का घोषित उद्देश्य है, समाजवाद है, और भारत का संविधान का भी घोषित उद्देश्य समाजवाद ही है, लेकिन भारत के बुद्धिजीवियों को ये तय करना होगा कि ये सरकार और प्रबंधित संगठनों का टकराव किस प्रकार कम किया जाए, क्योंकि हिंसा से किसी को या देश को लाभ होने वाला नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि युवा अपना बहुमूल्य समय समाज के निर्माण कार्यों में लगाएं और मेरे समान बहुमूल्य समय को बर्बाद ना करें। तो आप चूंकि अब जेल से आज़ाद हो चुके हैं, फिर से उसी गांव खेत खलिहान आपको पुकार रहा है, तो आप अपनी भूमिका को किस तरह से निभाएंगे और ये इस नई जिंदगी की पारी को किस तरह से शुरुआत करेंगे, और आपको आदिवासी समाज में आपका क्या अहम योगदान है, क्या कुछ चल रहा है आपके मन में? देखिए, मैं एक कार्यकर्ता रहा हूँ और कहीं भी रहा हूँ मैं मुख्य फिगर नहीं रहा हूँ, मैं उत्प्रेरणा देने वाला था। आज भी सरकार द्वारा संचालित जितनी भी योजनाएं हैं जो समाज के हित में हैं, चाहे शिक्षा के लिए चाहे चिकित्सा के लिए, उन लोगों को मैं उत्प्रेरित करूंगा कि सरकार से जुड़कर इन जनहित की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें और सरकार से टकराव को कम करें। तो आपको क्या लगता है, चूंकि कि बिरसा की धरती रही है खूंटी, यहाँ उनकी जन्मभूमि भी रही है, और चूंकि आप उलगुलान मंच से जुड़ भी चुके हैं, तो आप कहीं ना कहीं बिरसा से प्रेरित हैं और आपको लगता है कि आदिवासी समाज के लिए एक नई उलगुलान की जरूरत है जहाँ पे एकजुट होकर आदिवासी समाज के लिए कुछ कर सके अपने हक और अधिकार के लिए, जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए? देखिए, उलगुलान की जरूरत हो, शांतिपूर्ण उलगुलान की जरूरत है, जो कानून और संविधान के दायरे में एक सर्वांगीण कृषि क्रांति या कृषि उन्नयन की जरूरत है, जिस पर हर आदमी को अपना रोजगार मिल सके, हर आदमी को अपना चिकित्सा का अवसर मिल सके और हर आदमी को शिक्षा का अच्छा अवसर मिल सके, ऐसे उन्नयन की जरूरत है। रक्तपात पूर्ण उन्नयन की अभी जरूरत मैं वर्तमान परिस्थिति में आवश्यक नहीं समझता। झारखंड बनने के बाद गांव घर की जो तस्वीर बदलनी चाहिए थी आपकी नजर में, चूंकि आप जंगल जंगल घूमे, हर वो तकलीफ भी उठाएं, तो आपको क्या लगता है कि झारखंड बनने के बाद, अलग राज्य होने के बाद, झारखंड के ग्रामीण इलाकों की, खास करके आदिवासियों की तस्वीर बदली है या इसमें और बदलाव की जरूरत महसूस कर रहे हैं? आदिवासियों की तस्वीर आस्था बदली है, खासकर सड़क निर्माण में झारखंड काफी संतोषजनक स्थिति में है, लेकिन जन वितरण प्रणाली, शिक्षा और चिकित्सा में और सुधार की जरूरत है। तो आप इस सुधार को लेकर, इस बदलाव को लेकर ऐसा कुछ मन बना रहे हैं कि राजनीतिक गतिविधि तेज हो और आप कहीं से चुनाव लड़े और समाज में नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं आप, तो आप में के मन में ऐसा कुछ चल रहा है कि आप चुनाव भी लड़ सकते हैं? देखिए, चुनाव के मुद्दे पर मैं गाउन हूँ, क्योंकि यहाँ MLA और MP तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन गाँव से जुड़कर कोई भी काम करना नहीं चाहता है। तो मैं गांव में रहकर गांव के लोगों को खुद संगठित करके ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करूंगा और इस समस्या का समाधान होती हेतु जितने भी विकास से संबंधित पदाधिकारियों से भी समुचित सहयोग लूंगा।
आज आपको ऐसा कौन सा सवाल है, ऐसा कौन सा चीज है जो आज खटकता है कि हमको ये नहीं करना था और ये किए होते तो ऐसा आज होता, तो ऐसा क्या चल है मन में जो दर्द है कि हमें ये नहीं करना था, अगर आज हम ऐसे किए होते तो किसी की जिंदगी बच सकती थी या किसी को जिंदगी मिल सकती थी, तो ऐसा कुछ है मन में, कोई मलाल है जो आप इस ट्रैवल इंडिया टीवी के मंच में रखना चाहते हो और आपका मन हल्का करना चाहते हो? देखिए, जाने अनजान में से जो हिंसा हुई है जिससे लोगों का आंसू बहा, और आज तक मैं उन बहते हुए आंसुओं को पोछने लायक नहीं रह गया हूँ, और मेरे जाने अनजानी गलतियों से जिन लोगों का आंसू बहा या जिनके जिन बच्चों के ऊपर से बाप लोगों का साया उठ गया, तो उन परिवारों को मैं फिर से आबाद करना चाहता हूँ। और मोराल सिर्फ मैं गैर जरूरी हिंसा के रास्ते पर चलने वालों के साथ रहा, यही मुझे मलाल है। मतलब आपको ये लगता है कि जब आप उग्रवादी संगठन में थे और आपके द्वारा कुछ ऐसी गलतियां हो गई जिसको लेकर आपके दिल में आज भी मलाल है, उन आंसुओं को देखकर आज भी दर्द महसूस करते हैं, और आप ये चाहते हैं कि समाज में फिर से ऐसी दोबारा गलती ना दोहराया जाए ताकि किसी के घर उजड़े या किसी की आंखों में आंसू हो, आप चाहते हैं कि वैसे घरों में फिर से खुशहाली आए और समाज खुशहाल हो, राज्य खुशहाल हो, ऐसा कुछ विचार आपके मन में चल रहा है? देखिए, किसी भी हिंसा में प्रत्यक्ष रूप से तो मैं शामिल नहीं रहा, लेकिन हिंसा के रास्ते पर चलने वालों संगठनों के साथ मैं रहा, तो अप्रत्यक्ष रूप से उन आंसुओं का जिम्मेवार मैं भी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग अपना मन फिरा के मुख्यधारा के राजनीति में आते हो, उन तमाम बच्चे हैं या पीड़ित हिंसा पीड़ित परिवार के कल्याण के लिए मिलजुल कर काम करें। अंत में एक सवाल ये कि मसीह चरण पूर्ति जी, अभी जो वर्तमान समय है उसमें कोई ऐसा संदेश समाज के लिए, आदिवासी बाल बच्चों के लिए, पढ़ने लिखने वालों के लिए, या ऐसे जो बिहड़ों में रहते हों उनमें कुछ प्रतिभा है उनको सामने लाने के लिए भी आप कुछ अपना योगदान करेंगे, कुछ ऐसा संदेश देंगे? मैं युवाओं से यही संदेश देना कि पूर्ण रूप में लोग हिंसा का मार्ग छोड़ दें और गांव की ओर लौट जाएं और गांव के सर्वांगीण विकास के लिए सामूहिक रूप से लग जाएं, और सरकार द्वारा संचालित जितने भी विकास योजनाएं हों, चाहे विकास योजनाएं हैं या शिक्षा और चिकित्सा से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं, उसका पूरा पूरी लाभ लें। झारखंड में जो वर्तमान सरकार है, रघुवर सरकार है, चूंकि अब 5 साल की कार्यकाल पूरी होने जा रही है और विधानसभा चुनाव भी निकट आने वाला है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि ये जो वर्तमान सरकार है झारखंड हित में काम कर रही है, आदिवासी हित में काम हो रहा है, या उनमें भी कुछ कमियां हैं? रघुवर सरकार सिर्फ उग्रवाद नियंत्रण पर अच्छा काम किया है, बाकी शिक्षा चिकित्सा ज्ञान वितरण पर तो सवाल चिन्ह है, अच्छा नहीं है। विकास के नाम पर सिर्फ रोड का निर्माण हुआ है, बाकी सिंचाई योजनाएं पूरी तरह धरातल पर नहीं उतरी है। आपका ये बार बार कहना कि हाँ माओवाद ये है, नक्सल ये है, उग्रवाद ये है, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो है कि एकदम पीड़ा महसूस कर रहे हैं और आत्मग्लानी भी कि हाँ इस संगठन में रह के आपने कुछ वैसा नहीं किया जो समाज हित के लिए था, और अभी अभी आपने कहा कि हाँ रघुवर सरकार जो है उग्रवाद को लेकर बहुत अच्छा काम कर रही है, यानी कि आप भी दिल से चाहते हैं कि झारखंड में जड़ से उग्रवाद समाप्त हो जाए और जो लोग हैं, जो बच्चे बच्चियां हैं, युवक युवतियां हैं, वो मुख्य धारा में लौट कर समाज में एक नई रोशनी बिखेरे, ऐसा कुछ आपके मन में चल रहा है? देखिए, जो युवा आज हथियार पकड़कर जंगलों में घूम रहे हैं, यदि लोग मुख्य धारा में लौटते हैं तो इनका भला होगा,
और साथ में झारखंड का भी भला होगा, क्योंकि जो विध्वंसक कार्रवाइयों में अपने ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं वो सृजन तरीके से समाज का सेवा करते हुए अपना ऊर्जा का उपयोग करेंगे। ट्राइबल इंडिया टीवी के दर्शकों को भी मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि ट्राइबल इंडिया टीवी से आपने खास बातचीत की, बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बातचीत को रखा। इसके लिए ट्राइबल इंडिया टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।